हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी जोन में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सामान्य अध्ययन के मॉक टेस्ट के डे 23 के बारे में। आई होप कि फ्रेंड्स आप लोगों ने बाकी के पार्ट्स को जरूर देखा होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से ईजिली देख सकते हैं। इस वीडियो में आपको 50 क्वेश्चंस के साथ एक सेट कराऊंगा जो कि आने वाले हर एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। अगर आप बिहार दरोगा मेंस के एग्जाम्स की प्रिपरेशन करें तो आपके लिए वरदान सिद्ध हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं कल के क्यूज में जिन्होंने काफ़ी अच्छा स्कोर किया था। तो सबसे पहला मार्क्स जाता है गौरव जी को, जिन्होंने काफ़ी अच्छा स्कोर किया था। और सेकेंड की बात करें तो सेकेंड कृष्णा जी रहे और थर्ड अरविंद जी को जाता है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका नाम यहाँ पर डिस्प्ले किया जाए तो आज इस क्यूज को अटेम्प्ट करें और साथ ही साथ अपना मार्क्स नीचे कमेंट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, क्यूज को शुरू करने से पहले कल के क्यूज में जो मैंने क्वेश्चंस पूछा था उसके राइट आंसर की बात कर लेते हैं। क्वेश्चंस हमारा ये था कि निम्नलिखित में से कौन सा चंबल नदी पर बना हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राणा प्रताप सागर। और इसके बारे में काफ़ी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया था कृष्णा जी के द्वारा, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, और साथ ही साथ सीमा जी के द्वारा। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका नाम यहाँ पर डिस्प्ले किया जाए तो आज इस क्यूज को अटेम्प्ट करें और लास्ट में जो क्वेश्चंस पूछूंगा उसके राइट आंसर के साथ साथ अपना एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश करें। तो चलिए आज के क्यूज को शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सीन पे क्या है। भारत में राष्ट्रीय पार्टी के रूप में पहचान पाने के लिए एक राजनीतिक पार्टी स्वतः योग्य हो जाएगी यदि कम से कम कितने राज्य की पार्टी के रूप में कार्य किया हो। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 4 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बनता है। फूट डालो शासन करो की नीति किसने अपनाई थी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड कर्जन। ठीक है, लॉर्ड कर्जन करेक्ट आंसर होगा। लॉर्ड कर्जन का शासनकाल क्या था, 1899 से 1905 ईस्वी तक। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न ये बनता है कि मौर्य साम्राज्य के दौरान पौरा कौन था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शहर का राज्यपाल जो हुआ करते थे उस समय मौर्य साम्राज्य में पौरा नाम से जाना जाता था। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि भारत में सांप्रदायिक मतदाताओं की प्रणाली पहले किसके माध्यम से पेश की गई थी। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भारत परिषद अधिनियम 1892 के तहत सबसे पहले पेश की गई थी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है कि द्रव चालित क्रिया किस कारण से होने वाला एक प्रकार है। तो फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, प्रवाही जल। ठीक है, प्रवाही जल के कारण जो द्रव चालित क्रिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है कि पौधे किसके दौरान कार्बन डाइऑक्साइड निर्मुक्त करते हैं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, श्वसन के दौरान जो होते पौधे वो कार्बन डाइऑक्साइड निर्मुक्त करते हैं। ठीक है, यानी कि वो ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है कि ए बी रक्त समूह में क्या नहीं होता है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा समूह में नहीं होता है, ए बी रक्त समूह। तो देखिए, ए बी यानी कि यहाँ पे आप ए बी समूह की बात की जा रही है, तो राइट आंसर की बात करते हैं एंटीबॉडी नहीं रहते हैं। आप इसको कैसे याद रखेंगे, देखिए ए बी यानी कि एंटीबॉडी। ठीक है, आसानी से याद रख सकते हैं, ए बी में एंटीबॉडी नहीं होता है। और ए बी को हम लोग क्या कहते हैं, ए बी को सर्वग्राही कहा जाता है, यानी कि वो किसी भी रक्त समूह के जो ब्लड ग्रुप होता है वो रक्त ले सकता है। क्यों कहा जाता है, इसीलिए क्योंकि इसमें एंटीबॉडी नहीं रहता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बनता है, किसके शासनकाल के दौरान आयोजित बौद्ध परिषद में बौद्ध धर्म हीनयान और महायान संप्रदाय में विभाजित हो गया था। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो बौद्ध संगीति होता चौथी बौद्ध संगीति कनिष्क के शासनकाल में कुंडल वन में हुआ था और उसी समय हीनयान और महायान संप्रदाय में बौद्ध धर्म विभाजित हो गया था। तो ध्यान रखेंगे, ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न क्या बनता है कि कौन सी साहित्य कृतियों में क्रांति के दौरान चंद्रगुप्त मौर्य कौटिल्य की मदद से नंद को उखाड़ फेंकने का ब्यौरा प्रस्तुत किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है कि चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान सेंड्रोकोटस से किसने की थी।
इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विलियम जोन्स। ठीक है, विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा था, तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश मौर्यों के बाद आया था, तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सुंग वंश। इसके लिए आपको मैंने छोटा सा ट्रिक बताया था, अगर आपको ट्रिक याद होगा तो आप डेफिनेटली कर पाएंगे। उसका ट्रिक क्या था, हसीन मासुका साथ, मासुका यहाँ अगर आप याद रखेंगे मासुका, तो देखिए मासुका से क्या हो सकता है, मौर्य वंश के बाद सुंग वंश आया था। ठीक है, मासुका काफ़ी आसानी से याद कर सकते हैं, तो इस तरह से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है कि एक परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या किसके बराबर होती है, तो देखिए फ्रेंड्स इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, परमाणु जो संख्या होता है, सॉरी न्यूट्रॉन की संख्या होता है द्रव्यमान की संख्या में से अगर परमाणु संख्या को घटाते हैं तो हमारा न्यूट्रॉन की संख्या निकल जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न ये बनता है कि भारत में पहला धातु का सिक्का किस क्षेत्र में इस्तेमाल किया गया था, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मध्य भारत का इंडो गंगा मैदान में सबसे पहले धातु जो था उसका सिक्का इस्तेमाल किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है कि 1906 में मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने प्रार्थना की थी, किसके लिए प्रार्थना की गई थी ये आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन वर्ग के लिए, जो 1906 में मुसलमान थे उन्होंने मिंटो जो थे लॉर्ड मार्ले मिंटो उनसे शिमला में समझौता हुआ था और उस शिष्टमंडल में प्रार्थना की गई थी कि मुसलमानों के लिए एक अलग पृथक निर्वाचन आयोग वर्ग की स्थापना की जाए। अगला प्रश्न देखिए क्या है कि किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि नवाब सलीमुल्लाह खां। नवाब सलीमुल्लाह खां ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी, तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन डी राइट होगा। अगला प्रश्न क्या बनता है कि वर्तमान में हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले रासायनिक प्रतीकों की उपयोग विधि किसने तैयार की थी, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बर्जिलियस। कहने का मतलब क्वेश्चंस का ये हुआ कि हम लोग जैसे सोडियम को Na लिखते हैं, ये सब जो लिखते हैं हम लोग, तो उसको किसके द्वारा ये रासायनिक रूप में प्रतीकों का उपयोग करने का तैयार किया गया था, तो बर्जिलियस ने तैयार किया था, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। ठीक है, आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है कि कौन सा कोशिकांग जंतुओं में नहीं पाया जाता है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्लोरोप्लास्ट जो होता है ये जंतुओं में नहीं पाया जाता, पौधों में पाया जाता है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट की वजह से किसी भी पौधे को रंग प्रदान किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है कि बढ़ती बेरोजगारी और मुद्रास्फीति के साथ इस स्थिति को इस रूप में कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मुद्रास्फीति जनित मंदी के रूप में जाना जाता है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ठीक है, आगे देखिए। नेक्स्ट क्या बनता है कि वह सूक्ष्म जीव जो सड़े गले पदार्थों को सरल पदार्थों में बदल देते हैं क्या कहलाते हैं, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अपघटक। ठीक है, अपघटक कहते हैं, ऑप्शन डी राइट होगा। अगला प्रश्न क्या बनता है कि विषाणुओं का अनुवांशिक पदार्थ है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डीएनए या फिर आरएनए। विषाणु जो होते हैं वो दो पदार्थों से मिलकर के बने होते हैं, पहला तो प्रोटीन और दूसरा न्यूक्लिक अम्ल। तो प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल जो होता है वो आरएनए या फिर डीएनए हो सकता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। राष्ट्रपति का अभिभाषण तैयार किया जाता है, तो किसके द्वारा तैयार किया जाता है बताना है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिमंडल के द्वारा। कभी कभी क्वेश्चंस में आपका केंद्रीय मंत्रिमंडल भी हो सकता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे देखिए। नेक्स्ट ये बनता है कि राष्ट्रीय आपातकाल के समय लोकसभा की अवधि को प्रथम बार राष्ट्रपति द्वारा कितने समय के लिए बढ़ाया जा सकता है, इसका राइट आंसर है एक बार में एक वर्ष के लिए बढ़ाया जाता है, यानी कि 12 महीने के लिए बढ़ाया जा सकता है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या बनता है कि इनमें
से कौन सी शक्ति राष्ट्रपति को है लेकिन किसी राज्य के राज्यपाल को नहीं है? तो आपको बताना है कि मृत्यु की सजा की माफी, राजनयिक शक्ति, राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक पर निषेधाधिकार का प्रयोग, या फिर चौथा दिया गया आपातकाल की घोषणा। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? ऑप्शन आपको टिक कर रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स, बात करते हैं सही उत्तर का। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मृत्यु की सजा की माफ़ी जो है वो राष्ट्रपति कर सकता है लेकिन राज्यपाल नहीं कर सकता है। अगर वहीं बात करें ऑप्शन डी यानी कि आपातकाल की घोषणा, तो ये राष्ट्रपति राज्य में लागू करता है ना कि राज्यपाल। तो यहाँ पे जो भी शक्ति प्रदान की गई है एक और चार राष्ट्रपति को है, ठीक है। और अनुच्छेद की बात करें तो राष्ट्रपति 72 अनुच्छेद के तहत किसी व्यक्ति की जो सजा है उसको माफ़ कर सकता है और आपातकाल राज्य में लगाता है 356 के तहत। तो ये भी आप पॉइंट याद रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिए क्या बनता है कि निम्न में से भारतीय संविधान के ऊपर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भारत सरकार अधिनियम 1935 का सबसे अधिक प्रभाव पड़ा था। ये मैंने आपको पहले भी बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से ब्रिटिश संविधान की किस विशेषता को भारतीय संविधान में शामिल किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, यानी कि संसदीय पद्धति की सरकार ये भी ब्रिटेन से लिया गया, विधि का शासन ये भी ब्रिटेन से ही है, और विधि निर्माण प्रक्रिया ये भी ब्रिटेन से है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है कि भारतीय शासन व्यवस्था में एक प्रतिनिधि और लोकप्रिय घटक को समाविष्ट करने का प्रथम प्रयास द्वारा किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भारतीय परिषद एक्ट 1861 में यह प्रयास किया गया था। ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बनता है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 125 संबंधित है, किससे संबंधित है यह आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन, भत्ते और अन्य सुविधाओं से संबंधित उपबंधों को इसमें शामिल किया गया अनुच्छेद 125 में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, अगला प्रश्न ये बनता है कि ऋग्वैदिक काल में आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो देखिए फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, पशुपालन, ठीक है। पशुपालन राइट आंसर होगा, ऋग्वैदिक काल में आर्यों का मुख्य व्यवसाय। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि पाणिनि किस विषय के प्रसिद्ध विद्वान थे? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भाषा और व्याकरण के वो प्रसिद्ध विद्वान थे, और इन्होंने सबसे पहले कौन सा व्याकरण लिखा था? अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी के लेखक थे पाणिनि, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिए क्या है कि कनिष्क ने पाटलिपुत्र के किस बौद्ध विद्वान को अपने दरबार में प्राश्रय दिया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, अश्वघोष। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बनता है कि वह गवर्नर जनरल कौन था जिसने भारत शासन यानी कि पावर के साथ सहायक मैत्री की नीति का निरूपण किया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो सहायक नीति कौन लागू कर रहा था उस समय? लॉर्ड वेलेजली, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखेंगे, काफी अच्छा क्वेश्चन है। अगला प्रश्न क्या बनता है कि मुगल प्रांत बनने के उपरांत बिहार का गवर्नर कौन बना था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मिर्जा अजीज कोकलतास, ठीक है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न ये बनता है, जातीय या फिर कम्युनल पुरस्कार दिया गया था, किसके द्वारा दिया गया था बताना आपको। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मैकडोनाल्ड के द्वारा 1932 में ये पुरस्कार दिया गया था, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है कि किस मुगल शासक का राज्याभिषेक पटना में हुआ था? तो फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, फर्रुखसियर जो था इसका राज्याभिषेक पटना में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है कि इनमें से कौन सा महाद्वीप श्वेत महाद्वीप कहलाता है? काफी अच्छा क्वेश्चन है, काफी इजी क्वेश्चन है, सभी लोग इसका राइट आंसर करेंगे। देखिए, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर
बी अंटार्कटिका को कहा जाता है श्वेत महाद्वीप, ठीक है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है, कैंटनबरी शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान कहाँ है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, न्यूजीलैंड के जो घास का मैदान है शीतोष्ण कटिबंधीय घास मैदान, इसको कहते हैं कैंटनबरी। तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या बनता है कि इनमें से कौन सी नदी बिहार से होकर नहीं गुजरती है? देखिए फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि यमुना। यमुना नदी जो है यमुनोत्री से निकलती है, लेकिन इलाहाबाद में प्रवेश करते समय वो संगम यानी कि गंगा में मिल जाती है, संगम के पास, ठीक है। तो वहीं पे ये गंगा में मिल जाती है, तो हमारे बिहार में नहीं प्रवेश करती है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अगला प्रश्न ये है कि फाजिल्का या फिर अबोहर किस क्षेत्र के लिए जाना जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कुटीर और हस्तशिल्प उद्योग, और ये कहाँ पे है तो पंजाब में पड़ता है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि रायसीना हिल्स कहाँ पर पड़ता है? तो इसका राइट आंसर है रायसीना हिल्स जो है नई दिल्ली में पड़ता है, जो राष्ट्रपति भवन स्थित है इसी पहाड़ी पर स्थित है रायसीना हिल्स पे, तो ध्यान रखेंगे काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारत में हीरा काटने का उद्योग कहाँ पर, इसका मुख्य केंद्र कहाँ है? तो देखिए फ्रेंड्स भारत में हीरा काटने का मुख्य जो केंद्र है वो सूरत में है, ठीक है। और कभी कभी क्वेश्चन ये पूछ जाता है कि भारत में हीरे की खान कहाँ पे, तो मध्य प्रदेश की पन्ना में। तो दोनों क्वेश्चन आप अच्छे से याद रखेंगे क्या पूछा जा रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या है कि बिहार में दलदली मिट्टी का विस्तार कहाँ तक है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पश्चिमी चंपारण से किशनगंज तक, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अगला प्रश्न ये बनता है कि अमजद अली खान एक भारतीय शास्त्रीय संगीतकार हैं, जो बजाते हैं वो क्या बजाते हैं आपको बताना है, अमजद अली खान। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी सरोद, ठीक है। ध्यान रखें काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये मैंने ट्रिक के माध्यम से भी याद कराया था, अगर आपने नहीं देखा तो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। अगला प्रश्न क्या बनता है कि कबड्डी किस राज्य का आधिकारिक खेल नहीं है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि राजस्थान। राजस्थान का ये आधिकारिक खेल नहीं है। तो बात करते हैं कि राजस्थान का आधिकारिक खेल है क्या फिर, बास्केटबॉल, ठीक है बास्केटबॉल। तो बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, 5 होती है, ठीक है ध्यान रखेंगे। और कबड्डी में कितनी होती है, कबड्डी में 7 होती है। कबड्डी को याद रखने के लिए मैं थोड़ा सा ट्रिक बताता हूँ, देखना कैसे, KABADDI। अब इस लेटर को गिन लो कितना लेटर है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 लेटर है ना, आसानी से याद कर सकते हैं, ठीक है। बाकी तमिलनाडु तेलंगाना पंजाब इन सभी में कबड्डी खेला जाता है, ठीक है कबड्डी इन लोगों का आधिकारिक खेल है। अगला प्रश्न देखिए क्या है कि हाल ही में समाचारों में चर्चित भारत पाकिस्तान सिंधु जल समझौता कब हस्ताक्षरित हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1960 में यह समझौता हुआ था, ठीक है सिंधु समझौता 1960 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है कि रण उत्सव यहां मनाया जाता है? देखिए फ्रेंड्स इसको याद करने के लिए छोटा सा तरीका बताता हूं आपको, कच्छ का रण कहां पे है? तो कच्छ का रण गुजरात में पड़ता है, तो इस तरह से आप याद रखो रण उत्सव गुजरात में मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का मुख्यालय कहां पर है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली में। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का मुख्यालय कहाँ पर पड़ता है, तो नई दिल्ली में पड़ता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्या बनता है, कुंदू जो नृत्य है ये कहाँ के प्रसिद्ध नृत्य है? तो कुंदू जो नृत्य है ये जम्मू कश्मीर का प्रसिद्ध नृत्य है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, ठीक है ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स क्या बनता है कि बौद्ध तीर्थ स्थान दंत का मंदिर कहाँ स्थित है? दंत का जो मंदिर है ये कहां पर पड़ता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बौद्ध का प्रसिद्ध ये तीर्थ स्थान है दंत का मंदिर, श्रीलंका में पड़ता है, याद रखेंगे ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है कि अल हिलाल समाचार पत्र किसके द्वारा राष्ट्रीयता के प्रचार के लिए शुरू किया गया था? तो
इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अबुल कलाम आजाद के द्वारा शुरू किया गया था अल हिलाल समाचार पत्र। तो ध्यान रखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि निम्नलिखित में से एनी बेसेंट द्वारा निकाले जाने वाले दो अखबार कौन कौन से थे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया जो था वो एनी बेसेंट के द्वारा निकाला गया था। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोगों ने 50 क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस कर लिया है। अब आप नीचे कमेंट करके बताइए कि आपने 50 में से कितने क्वेश्चन सही किए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब बात करते हैं आज के क्यूज क्वेश्चंस का। तो क्यूज क्वेश्चन थोड़ा सा आपका टिपिकल हो जाता है आज, क्योंकि आज बहुत इंपॉर्टेंट मैं क्वेश्चन यहाँ पे आपके लिए पूछ रहा हूँ। इसको करना क्या है आपको, देखिए सूची वन को सूची दो के साथ मिलान करना है, और आपको कमेंट करके लिखना होगा कौन किसके साथ मैच होगा। ठीक है, यानी कि आपको बताना है कि श्यामजी कृष्ण वर्मा का इसमें किसके साथ मैच होगा। आई होप कि आपको समझ में आ गई किस तरह से मैच करना। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। हम मिलते हैं आपके साथ इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।